तीर स्कूप खेलना चाहते थे पीछे की दिशा को टारगेट करना चाह रहे हैं, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं। अच्छा शॉट, लेकिन खिलाड़ी मौजूद, आसान सा कैच बनाया और झटका लगा शंकर के रूप में, आठवां झटका लगा शंकर के रूप में। अगले बल्लेबाज मैं आप सभी को बता दूं, कल कुछ शानदार मैचें होनी है। इंदौर आर्मी, कल का जो पहला मैच होना है इंदौर आर्मी वर्सेस ड्रीम इलेवन के बीच में। ड्रीम इलेवन भी काफी अच्छे अच्छे खिलाड़ी कल का दूसरा मैच जो खेला जाना है केजीएन बिलासपुर वर्सेस बीआर फाइटर के बीच में, और कल का तीसरा मैच एकलव्य इलेवन कल्याण आश्रम की टीम है जो कि खेलेगी ड्रीम इलेवन की टीम से। आठ ओवर की समाप्ति पर 80 रन, 8 विकेट के नुकसान पर 12 गेंदों में 20 रनों की जरूरत है इस मैच को जीतने के लिए यंग आर्मी दीपा ढोली की टीम को। गेंदबाजी का भार संभाला है सागर ने। एक अच्छा शॉट 9-7 के बल्ले से, चौका, जबरदस्त चौका लगाया, शानदार चौका लगा 9-7 के बल्ले से, स्कोर जा पहुंचा 84 रन पे। जितने भी लाइट टावर्स लगे उसे दूरी बनाएंगे। लेग बैक इशारा पैर का, अगली गेंद सागर की सामने करेंगे नौशाद। एक अच्छा शॉट लेकिन बल्ले का कोई अच्छा संपर्क नहीं, और ये आसान सा कैच कृष्ण मोहन तिवारी मोनू का, जबरदस्त कैच, नौवां झटका लगा 9-7 के रूप में। हमारे बीच बबूद डांसर मौजूद हैं, आ चुके हैं लोगों का मनोरंजन करने के लिए। एक जसपुर के शानदार चीयर लीडर्स, शानदार डांसर जिनको सारा जसपुर जानता है। फिर से अच्छी गेंद सागर की, और एक क्लीन बोल्ड कर दिया। इसी के साथ मैच जीत लिया है, 10वां झटका लगा, मैच जीत लिया दरबारी टोली की टीम ने। गिल्ली ले लेंगे अंपायर, डीजे एडीएस प्रोडक्शन। प्रिंस इलेवन अपने फील्ड जल्द से जल्द सेट करेंगे। प्रिंस इलेवन बबलू से डांसर, वही वही, उसे आगे नहीं जाना है। बबलू से डांसर आपको यही डांस करना है, ठीक है, वही।
सबके मनोरंजन के लिए बबलू द डांसर मौजूद है। एक शानदार